प्रिंस स्कूल राजस्थान बोर्ड के कैंपस में आज ब्लॉक 3 के सामने साइंस मॉडल एग्जीबिशन स्टूडेंट्स ने लगाई है और आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। प्रिंस स्कूल राजस्थान बोर्ड के ब्लॉक 3 के सामने आज साइंस फेयर का बहुत ही शानदार आयोजन किया जा रहा है और आप देख सकते हैं चारों तरफ विज्ञानमयी माहौल है। डायरेक्ट साहब कंप्लीट चारों तरफ कंप्लीट विज्ञानमयी माहौल है और बच्चों ने बहुत सारे मॉडल्स बना रखे हैं। जैसा कि शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल स्तर पर साइंस फेयर लगाने का जो निर्देश था उसी के तहत ये मॉडल्स सजाए गए हैं। बच्चों ने बहुत अच्छा क्रिएशन की है और इनमें से जो चयनित बच्चे हैं वो जिला स्तरीय विज्ञान मेले में भाग लेंगे। इधर हम देख रहे हैं वेस्टेज मैनेजमेंट एनर्जी जनरेशन बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, वेस्टेज से एनर्जी जनरेट हो रही है, बताएं। सर हम इससे ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाह रहे हैं कि वेस्ट मटेरियल से, तो हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आज। हाँ तो बगल में नानी के भीड़ में भी वेस्टेज इस तरीके का बहुत है, उससे हाँ। बिजली भी बनाई जा सकती है। हाँ तो डेमोंस्ट्रेशन बताएं बेटा अपना। सर हम मतलब इसके अंदर जो कचरा जलाएंगे ये वेस्ट मटेरियल है और ये 400 ईयर तक ऐसे रहता है, तो अगर नहीं जलाएंगे तो 400 साल तक पड़ा रहेगा ये हाँ, कचरा और ये कभी भी मतलब जमीन में भी नहीं जा सकता जी, और ये ना फर्टिलिटी भी को जी जी है। तो इसको हम जलाएंगे ना तब इसकी वजह से जो हीट निकलेगी तो ये भी हीट अप होगी और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। तो आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके क्या क्या यहाँ दिखाया है? सर हमने यहाँ पे आप ये ग्लोइंग बल्ब की तरह से देख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं फैन चल गया है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होके फैन जला हुआ यहाँ पे है। इधर लाइटें जल रही हैं हाँ। और ये लाइटें भी जल रखी है, बल्ब भी जल गया है। बायो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज जो 400 साल तक, जैसे अपन रूटीन में प्लास्टिक के ग्लासेज वगैरह देखते हैं तो वो सारे 400 साल तक रहते हैं जमीन में, जमीन की उपजाऊपन को भी कमज़ोर कर देते हैं और किसी काम में भी नहीं रहते, जो लावारिस पशु हैं वो भी उनको खाते रहते हैं, बीमार होते रहते हैं। तो आप देखिए बहुत ही बेहतरीन मॉडल है। और सर जो हमारा जो ये पोल्यूशन निकलेगा ना ये भी इसके अंदर जाके फिर ये कार्बन फिल्टर में हाँ कचरे से धुआं निकलता है हाँ। तो धुएं का भी मैनेजमेंट इन्होंने किया है। यहाँ ये चिमनी है जिसमें ये धुआं जाएगा, फिर क्या होगा बेटा? फिर ये कार्बन फिल्टर वाले में जाके फिर पानी को, यहाँ कार्बन का फिल्टर है हाँ, यहाँ वेस्टेज जल रहा है और जो धुआं निकल रहा है वो चिमनी के माध्यम से इधर जाएगा, कार्बन यहाँ फिल्टर हो रहा है हाँ। मीन्स कार्बन को भी अलग रखा जा रहा है, डायरेक्ट कार्बन वातावरण में नहीं जा रहा, बहुत अच्छा। फिर जो ये वाटर फिल्टर हो जाएगा फिर इसको इरिगेशन में यूज कर लेंगे, पानी फिल्टर हो जाएगा उसको भी इरिगेशन में काम में ले लेंगे, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। हेलो मेरा नाम बारिश चंद है। हाँ मेरा नाम लोकेश। हमारे प्रोजेक्ट ये है कि हमारे एलपीजी गैस जो लीकेज होती है उसको ये डिटेक्ट करता है हमारा प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट के फायदे ये है कि जब रसोई में है एलपीजी गैस जो लीकेज होती है, महिलाएं बंद करना भूल जाती है, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल और डीजल की जो लीकेज होती है वो स्मेल के रूप में निकलती है, इंडस्ट्रीज़ में होती है जो औद्योगिक गैस होती है, प्राकृतिक गैस होती है, तो उनको ये हमारा ये प्रोजेक्ट डिटेक्ट करता है। ये प्रोजेक्ट में ये हमारे पास सेंसर लगा हुआ है जो गैस को स्मेल को डिटेक्ट करता है, ये हमारे पास बर्जर लगा हुआ है और ये इंडिकेटर है जिसको अपने को बता सकता है, ये अपने को रेड लाइट से ये बताता है कि दुर्घटना होने वाली है, अपने को संकेत करता है। इसको हम यूज कैसे करते हैं, जैसे हम इसको ऑन ही रखेंगे इसने गैस को डिटेक्ट करते ही ये ऑन होने लगा है और हमें इससे पता चला है कि गैस लीकेज हो रही है जिससे हम दुर्घटना होने से है ना इससे बच सकते हैं, और पेट्रोल पंप पे भी इसका यूज कर सकते हैं, वहाँ पे भी इसको लगा सकते हैं। ये सस्ता सा मॉडल है, इसको घरों में यूज कर सकते हैं, घरों में इसको लगा सकते हैं, किचन में लगा सकते हैं, जिसके गैस की लीकेज बच सकती है, दुर्घटना नहीं हो सकती है। दिस इज रितिका शर्मा फ्रॉम क्लास 12th M7 एंड दिस इज माई पार्टनर उषा कुलारी फ्रॉम क्लास 12th M7। आवर प्रोजेक्ट इज टोटली बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। द नेम ऑफ आवर प्रोजेक्ट इज रोटेशनल ब्रिज। ड्यू टू दिस सिंगल ब्रिज वी कैन कनेक्ट 4 रोड्स। जब हम इस ब्रिज को रोटेट करेंगे तब जब इन हॉरिजॉन्टल लाइन, जब इस हॉरिजॉन्टल लाइन में आएगा तब ये जो ट्रेन है ये एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी इस एक सिंगल ब्रिज से, और जब इसको हम इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे ड्यू टू दिस स्लेटिंग लाइन तब इसमें रोडवेज के जो भी
ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है वो एक प्लेस से दूसरी जगह चले जाएंगे, और नीचे से जो वाटर वेज के सिस्टम है सबमरीन वगैरह वो सब नीचे वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। ये हमारे लिए हेल्पफुल है ड्यू टू ट्रेडिंग, इंडिया की करेंसी इंक्रीज करने के लिए, और ड्यू टू जो हमारा पॉल्यूशन हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए, और हमारे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। थैंक यू।